नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दी एजी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कृषि बिल को लेकर के पूरे देश में जहां आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में वहीं पंजाब से आए हुए किसान लगातार 12वें दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें वार्ता के लिए भी बुलाया गया, लेकिन 5वें वार्ता के बाद भी जो बातें होनी चाहिए थे वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है, जिसको लेकर के आज विपक्ष ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया था। देश के हर एक कोनों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि विपक्ष से जब हमने ये सवाल किया कि भारत बंद कैसा रहा, तो उनका साफ कहना था कि ये भारत बंद सफल रहा, लेकिन अगर हम सरकार की बात कर ले तो सरकार ने इस भारत बंद को पूरी तरह से नकार दिया है। तो चलिए, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी हैं, सीनियर लीडर रहे हैं और पूर्व विधायक हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका द एसजी न्यूज में। धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज जिस तरह से कृषि बिल को लेकर के पूरे भारत में जिस तरह से भारत बंद का आयोजन किया गया था विपक्ष के तरफ से, आपको क्या लगता है कि ये भारत बंद करना सही था, या फिर आप अपनी राय इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये स्वतंत्र देश है। ये बंद का कॉन्सेप्ट तब था, गांधी जी ने सोचा था, जब अंग्रेजों का हमें विरोध करना था, अंग्रेजों को भारत से भगाना था, तब हम असहयोग आंदोलन चलाते थे, सड़क जाम कर देते थे, रेल जाम करते थे उनको प्रॉब्लम के लिए कि वो भागे। लेकिन अब क्या है, सरकार भी इन किसानों के द्वारा और जनता के द्वारा चुनी हुई है, और जो किसान के प्रतिनिधि, किसान आज धरने पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप गहराते जा रहा है। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट में बिल, आज जो ऑपोजिशन बोल रहा है, आखिर उस समय आप क्या कर रहे थे? आप भी तो यही ला रहे थे। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये शुरू होने के पहले ही, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, रेल रोको आंदोलन हुआ था, उन्होंने सड़क जाम किया था, पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ भी, तो उसी समय इनिशिएटिव सरकार के अधिकारियों को सरकार की तरफ से लेना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी कि भाई क्या कमियाँ हैं, क्योंकि बिल तो अभी लागू हुआ नहीं है। फिर जो पास हुआ पार्लियामेंट में, अब सरकार कह रही है इनके हक में, और हमारे अन्नदाता जो आज सड़कों पर बैठे हैं 12 दिनों से कड़ाके की ठंड में, ये भी समझना चाहिए अपोजिशन और सरकार दोनों को, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान पैदा करता है तो सबके लिए करता है। आप देखिए, आप कितना भी इंटरनेट चला लीजिए और गूगल पर डाउनलोड कर लीजिए, रोटी तो गूगल पर डाउनलोड नहीं करेंगे साहब, है गेहूँ तो या चावल तो गूगल पर डाउनलोड नहीं होगा, वो तो किसान ही पैदा करेगा तो दुनिया खाएगी। तो मुझे लगता है कि लचीला रुख अपनाना चाहिए किसानों को भी और सरकार को भी, जो कमियां हैं उसको दूर करनी चाहिए। और जहां तक लोग कहते हैं कि लोग आ जाएगा भागीदारी के लिए, ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे सहावा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धान की उपज होती है, गेहूं की भी होती है, और रिकॉर्ड है कि वो पंजाब से ज़्यादा होता है। अगर वहाँ भी तो किसान कर्ज लेके काम करता है, और मोदी सरकार ने तो किसानों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की है, कर्ज की भी दी है, 6,000 रुपये भी दे रहे हैं सहूलियत के लिए, तो किसानों को फायदा भी है। हाँ, कुछ और फायदे हो उसके लिए स्ट्रिक्ट सरकार को आगे आना चाहिए। जैसे आपको एक जो आशंका है इनके मन में कि आएंगे तो भाई खेत तो आपका नहीं लेगा, वो भागीदारी करेगा। ऐसे भी भागीदारी लोग करता है, मनी बटैया पर देता है, तो क्या भागीदारी नहीं है? लेकिन जब बड़ी बड़ी कुछ अच्छी कंपनियां आके भागीदारी करेंगी तो उनको ये भी दिखेगा कि अरे ये तो बड़ी उपजाऊ जमीन है, यहाँ से हम ले करके जाएंगे या कहीं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें खर्च ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ मजदूर भी सस्ता है और हमें ट्रांसपोर्ट भी नहीं देना पड़ेगा, तो उसी का यहाँ प्रोडक्शन करेगा, आलू का चिप्स ही बनाएगा, एग्रो इंडस्ट्री लगाएगा, तो जाकर के बिहार का भी भला होगा, किसानों का भी भला होगा। तो इन सब चीज़ों को लगता है कि समझाने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और मैं कहता हूँ कि आज भी जो हुआ, अपोजिशन को सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। अपोजिशन उस समय था, पार्लियामेंट को आप क्यों चलने दिए, फिर आपने क्यों नहीं रोका? आई इतने दिन से किसान आंदोलन कर रहे थे, क्यों अपोजिशन कहाँ था, सरकार कहाँ थी? तो मुझे लगता है कि सरकार को जरूरत पड़े तो ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला करके, स्पेशल सेशन बुला करके किसानों की समस्या का सुने, लचीलापन रुख अपनाए, जो समाधान निकल जाए। आखिर किसान, सरकार कहती है कि फायदा हो रहा है, कुछ मुद्दों पर हम सहमत है कि होगा ये
थोड़ा समझ के परे भी बहुत लोगों के हैं, होगा तो फायदा भी होगा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसके अधिकारी समझाने में विफल है। अच्छा, समझ के परे आपने बताया साहब, तो ये मुझे बताइए ना कि कहां बीच में गैपिंग कौन ले रहा है? मुझे लगता है कि सरकार और जो अधिकारी समझा रहे हैं ये या तो अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं कर रहे हैं, या तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं किया। देखिए, चीजें कोई खराब नहीं होती, अगर सरकार की मंशा सही है तो उस सही नियत अगर किसान को समझ तो आना चाहिए। जो फसल पैदा करता है उस किसान को तो समझ आना चाहिए साहब। अब उसको उसको समझ सब क्या कि वो कह रहा है कि नहीं हमारा तो लूट जाएगा, किसान को गारंटी देनी चाहिए सरकार को कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है। अब मैं फिर आपको बोलता हूँ, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, सर्वदलीय बैठक से निकलेगा, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट बुलाना है तो बुला करके निकले। ये सड़क पर बैठना, रास्ता रोकना, ये समाधान नहीं है, इसमें किसी का भला नहीं है। सरकार जनता के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। अगर एक पक्ष आंदोलन करता है तो दूसरे पक्ष को भुगतना पड़ता है। सर, बहुत सीनियर लीडर आप हैं और कई ऐसी घटनाएं आपने इससे पहले भी देखी हैं, आप विपक्ष पर आ जाते हैं, सरकार की बात तो आपने कह दी, मुझे ये समझा दीजिए कि जनता भी समझना चाहेगी कि जिस तरह से लगातार 12वें दिन किसान जो है वो इस कड़ाके के ठंड में बैठे हुए, हालांकि यूं कहें कि जो लीडर है या फिर जो लोग हैं उनको खाना पानी का व्यवस्था वहां पर हो जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष इस तरह का काम इस वक्त कर रही है वो क्या सही है? अच्छा, एक बात बताइए, वही मैं आपको बोला, ये 3-4 महीने से आंदोलन कर रहे थे, वहां भी रेल लोग का था, विपक्ष कहाँ था? आज विपक्ष को तो कोई काम है नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, देखिए हम खुद ही विपक्ष है मान के चलिए, लेकिन हमारा हमें कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा, हमें तो कोई काम है नहीं। क्या रास्ता निकले ये किसानों को समझाना चाहिए कड़ाके की ठंड में, न कि जाकर के इनको और भड़काना चाहिए, सरकार के साथ इनको दबाव डाल के बैठना चाहिए, ये भी तो देश के नागरिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी इन किसानों के वोट से बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उसमें भी मैक्सिमम किसान हैं, जो विपक्ष में भी उसमें भी मैक्सिमम किसान हैं, और किसान के प्रतिनिधि भी किसान हैं, तो कहीं नहीं कम्युनिकेशन गैप है, तो इसको फील करके समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, आंदोलन से समस्या का समाधान नहीं है। आज जो बिहार में जिस तरह की हुई घटनाएं, कहीं पर रेल रोक दिया गया, सड़कों पर डाक बंगला चौराहों पर कई पोस्टर्स फाड़ दिए गए, आप इसको कितना? चलिए, एक ही सिंबॉलिक है, कब तक चलेगा? आप कब तक धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, रेल रोकते रहेंगे, और कब तक सरकार भी इसको देखते रहेगी? तब मुझे लगता है कि सरकार को लचीला रुख अपना करके किसान प्रतिनिधियों के साथ फाइनल बैठ करके और दोनों तरफ से लचीला रुख अपनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सरकार पॉइंट वाइज पॉइंट उनको समझा दे, वो सरकार को समझा दे और बीच का रास्ता निकाले, ताकि एक बात आप समझिए, ये यही देश है ना जहाँ अकाल पड़ा था तो बाहर से खाद्यान्न मंगाने पड़ते थे, आज यहाँ सरप्लस है, वो किसकी बदौलत है? वो अन्नदाता किसान की बदौलत है, इसको नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए किसानों को नहीं लगना चाहिए कोई ठगा महसूस कर रहा है, उसको कन्विंस करना चाहिए सरकार को। अच्छा, रमेश्वर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और दूसरा सवाल कि बिहार में अभी जो है वो खरीदारी नहीं हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जो ये समस्या है, मैं बार बार पार्लियामेंट में उठाया हूँ, विधानसभा में उठाया हूँ, और हम उस इलाके से आते हैं शाहबाद से और मगध से जो राइस बाउल कहा जाता है, बिल्कुल मैंने धान का कटोरा कहा जाता है जी, और है भी। इस बार तो इतना बम्पर पैदावार हुआ है कि रिकॉर्ड है कि पंजाब में भी इतना ज्यादा पैदावार नहीं हुआ है पर एकड़। अब समस्या देखिए क्या, कैसे बिहार सरकार चलती है आज तक मुझे पता नहीं चला, मैं सरकार में भी रहा, बिल्कुल सरकार का ही मतलब हमारी पार्टी की सरकार थी, सरकार थी मिलीजुली जो भी एनडीए की थी विपक्ष में। मैं शुरू से देखता हूँ कि हमें पीडीएस सिस्टम के लिए करीब 36 से 40 लाख टन चावल चाहिए, सरकार क्या बोलती है कार में, हमने 20 लाख टन राइस खरीद लिया, 20 लाख टन क्या होता मालूम है, उसमें 12 से 13 लाख टन मात्र चावल निकलेगा, 3 गुना चाहिए आपको, 13 से 39। तो आखिर यहाँ के किसान देने को तैयार है तो आप पूरा क्यों नहीं खरीदते? ये आपकी आपके नाकामी है। और एक खरीद करके कोई अपने पैसे से आप खरीद नहीं रहे, यही खरीद के आप एफसीआई को देते हैं, एफसीआई पैसा देती है, एमएसपी का मतलब केंद्र सरकार देती है। तो आप जो व्यवस्था बनाए हैं यहाँ, व्यवस्था में तो आपका बिचौलिए लगे हुए हैं, व्यवस्था में तो सिर्फ दलाली चल रहा है। दूसरा, हर जगह 2 महीना पहले 1 महीना पहले खुलता है, धान आते गया खरीदाते गया, आप क्या करते हैं? किसानों को वेट कराते हैं धान जमा होने के लिए, औने पौने दाम पर वो बेचता है, आप मॉइस्चर का बहाना बनाते हैं। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के नज़दीक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ मॉइस्चर नहीं है, आप क्या मॉइस्चर हो जाता है इस महीने में कहीं है, लेकिन आपको खरीदना नहीं है। अब देखिए इसका दूसरा पक्ष क्या होता है, अगर ये सरकार खरीद लेती
तो सिर्फ सरकार के लिए नहीं चाहिए एफसीआई को, बफर स्टॉक भी चाहिए। यहाँ का एफसीआई बाहर देता है, झारखंड में देता। अब क्या होता है, सासाराम में जाइए, सरकारी रिपोर्ट में बता रहा हूँ, रेलवे का रेलवे ट्रैक का रैक लगा हुआ है, रैक के रैक हैदराबाद जा रहा है, आंध्र प्रदेश बाहर जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, गुजरात जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है। क्यों? ये जाके वहाँ एमएसपी लेते हैं, ये देते हैं एफसीआई को, अब वही लौट के आपके पास आता है, आप लेते हो एफसीआई से। अरे तो आपके किसान तो ठगा हुआ हो गया ना, 800-900 में बेच दिया। आप अगर इसको खरीदने की व्यवस्था किए होते एमएसपी पे तो इसको भी लाभ होता और बिहार का पैसा बिहार में रहता। मैं ये कह रहा हूँ बिहार को लाभ होता, ये समझिए, ये बिहार का पैसा बाहर चला जा रहा है, तो किसान तो यहाँ गरीब के गरीब ही रहेगा। तो इसीलिए बिहार सरकार को अपनी अकड़ छोड़ करके कि हम सिर्फ पैक से ही खरीदेंगे या व्यापार मंडल से, सारे मिल बंद हो गए, मिल भी खरीदते थे, अंततः सबको एफसीआई को देना है, एफसीआई खुद भी खरीदती थी और मिलर से उसको चावल बनवा देती थी, तो सारे मिल भी का भाई बंटाधार हो गया। तो ये सरकार करना क्या चाहती है अभी तक मुझे ही नहीं समझ में आता है। आखिर कैसे लोग मंत्री बन के अधिकारी बन के क्या करते हैं, क्या समझते हैं? हम कोई बड़ी चीज नहीं बोल रहे आपको, यहाँ आपके पास है, आप क्यों नहीं खरीद लेते हो? पैसे तो केंद्र सरकार दे रही है, एफसीआई दे ही रही है, तो आपकी नाकामी आप नहीं खरीदते हो। ये होना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ, सरकार हो या विपक्ष हो, किसी की भी सरकार हो, ये परमानेंट व्यवस्था बिहार में बनाना चाहिए। और बिहार के किसानों की जो कमर टूट रही, सिर्फ इसके चलते टूट रही। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वही किसान जब बेचेगा, आप कह रहे ना कि बाहर से लोग आ जाएंगे, हमारे यहाँ एग्रो इंडस्ट्री लगा दें तो इंडस्ट्री वाले को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा, वही रोजगार भी मिलेगा। आप समझिए, जो गेहूं तो ये खरीदते नहीं है, 20 लाख टन गेहूं चाहिए पीडीएस के लिए, वो गेहूं भी बाहर से आता है, और हमारा किसान गेहूं औने पौने दाम पर बेच देता है, वही गेहूं बाहर जाता है, बाहर से फिर यहाँ आ जाता है, वही बिचौलिए लेकर के जाते हैं बाहर। तो इन बिचौलियों को दलालों के लिए सरकार नहीं बनी है, सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बनी है। तो ईमानदारी से सरकार को काम करना चाहिए, मेरी यही नसीहत है सरकार। यानी कि है, आप ये बता रहे हैं कि आप उसको वो प्रॉपर ढंग से इसको करें, करके आना चाहिए। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, आप करो, हमारे पास है, हमारा किसान देने को तैयार है, किसान ठगा हुआ महसूस नहीं करे। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी सरकार की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी बातचीत करने के लिए और अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर हमारे साथ पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी थे, उन्होंने आज किसी बिल को लेकर के पूरे स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरह से अगर किसानों के हित में सोचा जाए और किसानों को लेकर के जो बात रखी जाए कि ताकि किसान जो है कल को भूखा ना रह सके, उनको फायदा हो, ये आज इंटरव्यू में आपने समझा। अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।